हेलो स्टूडेंट, आज की आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 72। 31 दिसंबर की वर्कशीट है ये, सामाजिक विज्ञान की। और एडवांस में सब बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे से अपना न्यू ईयर मनाइए, घर पे सेलिब्रेट करें और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं विद सैनिटाइज़र, एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आइए आज के हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका जो चैप्टर है भारत आकार और स्थिति, यानी कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, उसकी रिविज़न आपकी स्टार्ट हो गई है। तो कुछ आपको इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आइए हम फटाफट इसकी रिवीजन करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश अपनी स्थल सीमा भारत के साथ साझा नहीं कर सकता है, यानी कि इसमें से कौन सी स्थल सीमा जो भारत के साथ नहीं लगती है। तो देखो, तजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, तो किसकी स्थल सीमा भारत के साथ साझा नहीं होती है, तो आपकी तजाकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, यानी कि हमारे भारत देश से जिसकी सीमा नहीं मिलती हो, यानी कि साझा करना, ये इसमें बोला गया है। उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की बहुत ज़रूरत है, एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप इसे कर पाओगे सही से। नेक्स्ट है, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है, तो कर्क रेखा या 23.5 डिग्री या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और कर्क रेखा, बच्चों ये दोनों एक ही हैं। जो आपकी कर्क रेखा जाती है इस तरीके से 23.5 डिग्री पे, इसे कर्क रेखा बोला जाता है, इसे ही 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए, तो भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। भारत जो नहीं बच्चों, ये भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि भारत अगर आप पूरी पृथ्वी को देखोगे तो नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ है, तो भारत आपका कुछ इस जगह पे स्थित है, यहाँ पे, तो नीचे तो आपका दक्षिणी हो गया, ऊपर आपका उत्तरी हो गया, तो किस में स्थित है आपका, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4th है, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। तो देखते हैं क्षेत्रफल के इस आधार पर भारत विश्व में कौन से स्थान पे हैं, तो बच्चों ये हैं आपके 7वें स्थान पे हैं, तो इसकी है बिल्कुल करेक्ट। ओके, आपका 4th क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो नेक्स्ट है 5th, निम्न वाक्य को सही व गलत बताइए, निम्न वाक्य में सही व गलत बताना है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बट ये गलत है। ये क्या है, गलत है, अब चेंज हो चुका है, अब आपके इसमें 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, अब इसमें जो है ना ही आपके 28 इसमें राज्य हैं। नेक्स्ट इसमें है, निम्न वाक्य में सही व गलत बताइए, तो 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख यामोत्तर माना गया है, तो ये गलत है, क्योंकि बच्चों हमारा पूर्वी देशांतर है, हमारा कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, ईस्ट वाला, इधर वेस्ट है, तो इधर नहीं है, हमारे 82.5 डिग्री इधर ईस्ट वाला पूर्वी देशांतर माना जाता है। मैं आपको वैसे भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए उसका कारण दिया हुआ है, इन वाक्यों को पढ़ के सही विकल्प का चयन करना, तो ये देखते हैं कथन हम पढ़ते हैं। कथन में आपको कहा गया है, कथन में बोला गया है कि भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, और कारण इसका है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख यामोत्तर माना गया है, तो गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि हमारा पश्चिमी नहीं पूर्वी देशांतर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए, तो बहुत इजी है, लक्षद्वीप समूह आपके अरब सागर में स्थित है, आपके इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, इधर आपकी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, तो यहीं पे आपके द्वीप लक्षद्वीप द्वीपों की श्रृंखला स्थित है, यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार द्वीप है। भारत के किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान तथा चीन तीनों देशों से लगती हैं, तो आइए देखते हैं किसकी लगती हैं, तो सिक्किम की, जो आपका सिक्किम प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने उसमें अगर लिखा होगा तो आपको पता होगा, सिक्किम प्रोजेक्ट में भी आपने दिया होगा कि तीनों देशों के साथ जो सीमाएं लगती हैं किसकी लगती है, सिक्किम की लगती है, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से है, जो इधर वाला हम अपने इंडिया का पार्ट देखेंगे तो। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दिशाओं के आधार पर निम्न में से किस भारतीय पड़ोसी देश की स्थिति गलत मिलाई गई है, तो उसमें आपको क्वेश्चन दिया था, उसे अकॉर्डिंग आपको ये करना है, तो इसमें देखो जो पाकिस्तान है उत्तर पश्चिम में है, नेपाल उत्तर में है, बांग्लादेश पश्चिम में है, और श्रीलंका आपका दक्षिण में है, तो इसमें बच्चों जो आपका ऑप्शन उत्तर है वो है बांग्लादेश, क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर ये मान लीजिए आपका इंडिया है, तो इधर उत्तर पश्चिम में आपका पाकिस्तान है करेक्ट, इधर उत्तर में नेपाल है ये भी करेक्ट, बांग्लादेश आपका कहाँ है, इधर के साइड कुछ इधर के साइड पड़ता है,
और श्रीलंका आपका दक्षिण में है। तो ये आपका इधर ईस्ट है, तो आपका किधर, ये आपका यहाँ पे पूर्व आना चाहिए, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे पूर्व होता तो ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि आपका बांग्लादेश यहाँ पे जो कि ईस्ट में पड़ता है, ना कि वेस्ट में। ओके, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था आज की वर्कशीट का। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना आप दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।